अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है भाई? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट जमाल खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि आप अपने मोबाइल के अंदर इंग्लिश लिखते हो तो इसका तर्जुमा इसी तरह उर्दू में आपको मिलेगा। जैसे मैं लिखता हूँ हाउ आर यू, ठीक है, सॉरी यार हाउ आर यू, तुम कैसे हो। इसके बाद हाउ आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। हाउ आर यू फीलिंग, आप क्या महसूस कर रहे हैं। हाउ आर यू माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त कैसे हो। और इसके बाद हाउ आर यू कैसे हो। अगर आप वहाँ उर्दू लिखना चाहते हैं और ये चाहते हैं आपके यार इसका तर्जुमा इंग्लिश में, तो बिल्कुल आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश पे क्लिक करें और इंग्लिश की जगह उर्दू को सेलेक्ट करें। ठीक है भाई, जैसे मैं आपके सामने उर्दू को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इसी तरह उर्दू सेलेक्ट करने के बाद आप इसी तरह इंग्लिश में ये सेलेक्ट हो गया, तो मैं कुछ लिखना चाहता हूँ उर्दू में। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ कैसे हो। ठीक है, हाउ आर यू, तो ये आप कैसे अपने मोबाइल के अंदर कर सकते हैं। और एक छोटी सी ऐप को डाउनलोड करना है भाई, कुछ नहीं करना है, ऐप डाउनलोड करना है। एक छोटा सा ऐप से ऐप आपको कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर पे। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, सीधे जाएंगे प्ले स्टोर पे, एक छोटा सा ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, तो मैं वहाँ कुछ लिखता हूँ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश या ट्रांसलेट मीन। ठीक है, मैंने ऑलरेडी सर्च किया गूगल ट्रांसलेट। ठीक है भाई, जब आप गूगल ट्रांसलेट को सर्च करके तो आपके सामने इंटरफेस नज़र आती है, तो आप देख सकते हैं कि भाई मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, अन इंस्टॉल एंड ओपन। तो अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करके, और कुछ ऐसी सेटिंग है जो आपको पता नहीं है सेटिंग क्या है और कैसा करना है, तो यही तरह ये ट्रांसलेट ऐप को ओपन करना है। ठीक है, और लेफ्ट की तरफ जो तीन लाइन है इस पर क्लिक करना है। ठीक है भाई, क्लिक करने के बाद दोस्तों सेटिंग ऑप्शन पर जाना है। ठीक है भाई, सेटिंग ऑप्शन जाने के बाद दोस्तों ये स्पीड जो है ये आपके पास इसी तरह स्लोअर होगा तो नहीं, आपको इसी तरह क्या करना चाहिए, नॉर्मल को करना है। ठीक है, और स्पीच एंड फोर दोनों को ऑन करना है। ठीक है भाई, ये आपके साथ लाजमी ऑफ है, लेकिन ये दोनों सेटिंग को अच्छी तरह करें। ठीक है, दोनों को ऑन करना है। ठीक है भाई, फिर इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, टैप टू ट्रांसलेट पर क्लिक करके इसको इनेबल करें। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इनेबल है, अगर आपके पास डिसेबल है तो इसी तरह इनेबल करके। ठीक है भाई, और ये जो ट्रांसलेट है भाई, ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश, इंग्लिश टू उर्दू, और ये याद रखे भाई इसमें इंग्लिश और उर्दू यही है, बहुत सी जुबान इसके अंदर मौजूद है, बहुत सी अमेरिकन और इसी तरह फिलिपाइनी, फिनिश, फ्रेंच और इसी तरह सऊदी अरबी, जो बहुत सी जुबान यहाँ मौजूद है, लैंग्वेज मौजूद है, आप देख सकते हैं भाई, लेकिन मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ उर्दू इंग्लिश के बारे में समझाया। ठीक है, तो ये ऐप तो वन ऑफ द बेस्ट है, अनपढ़ लोगों के लिए भी ऐप बिल्कुल मुफीद है भाई, अगर आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल नहीं है तो जल्द इंस्टॉल करके, ठीक है, ताकि आपकी जो नॉलेज है नॉलेज में इजाफा हो जाए। तो जी हाँ फ्रेंड, एक बात मुझसे बोल गई थी भाई, अगर आपको इसी तरह राइटिंग नहीं आती है, कुछ लिखना नहीं आती है, अनपढ़ है आपका, तालीम नहीं है, या तालीम आपका है, आपने मोबाइल यूज़ नहीं किया है और आप कुछ लिखना नहीं जानती है, तो फिर इसके बाद आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, दो निशान है आप देख सकते हैं, जो वॉइस की आइकन है इस पर क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करें तो आप जो बोलते हैं उर्दू में तो उसका तर्जुमा इंग्लिश में आपको मिलेगा, अगर आप इंग्लिश में जो बोलते हैं तो उसका उर्दू तर्जुमा आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो मैं इस पर इसलिए क्लिक नहीं कर रहा हूँ कि मैं जो बोलता हूँ तो इस वीडियो के अंदर रिकॉर्ड नहीं हो रहा, इसलिए कि मैं डी यू रिकॉर्डर के ऊपर बात कर रहा हूँ और डी यू रिकॉर्डर को ऑलरेडी रिकॉर्ड नहीं कर रहा है मेरा वॉइस को। ठीक है भाई, तो ये छोटी सी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।